हम YouTube से आए हैं, वीडियो ले सकते हैं आपका? तो फसाओगे इतना भाई? हाँ, फसाओ वाला काम तो नहीं ना। अरे यार, फसा वाला नहीं है, लोग देखेंगे आपको। ब्लॉगर हो गया? हाँ, ब्लॉगर हूँ। ओ भाई शिट, ये है बारिश का हाल। बारिश में ये हाल है। ओ देखो गंदगी, गंदगी देख रहे हो? सब ब्लॉक है, गटर। अंधेरा है, गंदगी बहुत है भाई। सब यार बहुत गंदगी यार, प्लीज़ मेरी बात को बुरा मत मानना यार। आंटी जी राजी हो गई घर दिखाने के लिए। क्या ये यूट्यूब है आंटी? ओके दिखाऊं घर? ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो आंटी जी का घर कुछ इस तरह से है। देख के क्या करेंगे? हेलो, ये यूट्यूब पे जाएगा तो लोग देखेंगे सारे। दिखा सकता हूँ ना? ओके भाई, अंदर देख सकते हो ये घर। ओह माय गॉड, ये घर आंटी आपको लिए दिखा सकता हूँ आपको। भाई ये आंटी जी है, और पिछले वीडियो में आपको ऐसा लग रहा था कि भाई लोग काफ़ी बुरे हालत में हैं यहाँ पे। आंटी जी आपका बैंक अकाउंट या कुछ ऐसा है जिससे आप लोग मदद कर सकेंगे? ऐसे कुछ है कि ऐसा? हाँ, किसी को बोला हो ना भाई? क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ इस आंटी जी की। मराठी हो आप? नवासी है। ओके ओके, मैं दिल से चाहता हूँ इस आंटी जी की मदद हो जाए, क्योंकि भाई भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये घर कितना बड़ा है। ओके, लास्ट टाइम में मेरा हाल इतना बुरा नहीं हुआ था, ये आंटी जी का घर देख के हाल बुरा। हेलो भाई, हेलो, क्या नाम आपका? भाई यूट्यूब की तरफ से आए, मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं दिखा रहा हूँ धारो में लोग कैसे स्ट्रगल करके रहते हैं। ओके तो भाई आंटी जी आपका नाम क्या है? आमना। ओके आमना, कि भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि आंटी जी की मदद कर सकूँ, बट आप खुद भाई आंटी की हालत देख के भाई आपसे जितनी भी हो मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आंटी जी को हेल्प करो। नवासिलो का मरियम, मैं जमीन, मेरी लड़की का मुमताज। अच्छा अच्छा, मुमताज। अच्छा मरियम, आंटी जी क्या बोल रहे हैं? क्या आंटी जी क्या बोल रहे हैं? नाम सब बता रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे एक ही है, तीन नवासी है, मरियम, मैं जमीन। अच्छा, और सबसे छोटी मायरा। ओके, तीन चार और कितने लोग रहते हो भाई यहाँ पे? जी हम लोग पांच लोग। पांच लोग इस घर में रहते हो? हाँ। ओके भाई, ऐसा कुछ नहीं, आपको गूगल पे फोन पे नंबर ऐसा है कुछ जो लोग आपको हेल्प कर सके? मैं यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं अपना नहीं दूंगा, क्योंकि भाई का डायरेक्ट जिसको हेल्प चाहिए इनको मिलेगी डायरेक्ट, तो इनका नंबर मैं आप बता दो, बोल दो सीधा, बोल दो। क्या बोलते हो? नंबर? हाँ, जो बैंक अकाउंट में नंबर होगा जो लोग गूगल पे फोन पे जिस तरह से आपको हेल्प करे। ऐसा तो नहीं, अकाउंट है ही नहीं। अकाउंट नंबर भी नहीं है आपका? अकाउंट नंबर ही नहीं है? कुछ नहीं, हमारा है, इनका है, आंटी जी का है। देखो ना भाई, क्योंकि लोग किधर है नानी आपका? मुमताज के यहाँ है, मेरा भी है, दोनों भाई। भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आंटी जी की मदद कर सकूँ यार, होती तो मैं बेशक करता। ऊपर भी यहाँ पे, यहाँ से फ्लोर जाता है अंदर। आजा भाई नीचे कूद। ओके भाई सही सलामत हम नीचे आ गए हैं। ओके आगे चलते हैं। पुराना ले रहा है भाई, ये एक तरह का मेज़ है भाई, बाहर निकला बहुत ही मुश्किल है। एक बार अंदर घुस गए, मुझे कुछ डर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं निकलूँगा ना, तो वहाँ से ही हम जाएंगे बाहर। ओके ये मैंने टॉर्च फिर से लगाया है, फोन का देख सकते हो। और ये घर है, घर कुछ इस तरह से, पिछले धारावी में गया था ना भाई, पिछली जो पुट्टी में पिछली वीडियो में, उससे कई गुना ज़्यादा ये खतरनाक है। ओके ओ भाई देख सकते हो नीचे कितनी गहराई है, देख सकते हो नीचे कितनी गहराई है भाई। थर्ड फ्लोर गए हम, आपके थर्ड फ्लोर गए हैं। उनमें उन लोगों में जज्बा कितना है, ऐसे जगह में रहते हैं, उन लोगों में जीने का जज्बा कितना है। तो भाई मैं उस हर एक शख्स से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी शिकायतें होगी पूरी तरह से निकल जाएगी भाई।
क्योंकि डिमोटिवेट कभी नहीं हो सकते। जब भी डिमोटिवेट होंगे आप ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो गाइस और आपको और एक बात बताना चाहूँगा मैं, ये जो धारावी को लोग नाम रखते हैं ना, कैसे जीते हैं क्या होता है, मैं उनको बताना चाहूँगा इंडिया की ये इकलौती ऐसी बस्ती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो कि बस्ती में। ओके, इस बात को आप समझा करो। ओके, ये कैसे हालात में रहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़े लिखे है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देख सकते हो घर। हेलो दोस्तों, मैं अब फिर से आया हूँ एशिया के सबसे बड़ी स्लम एरिया में, धारावी झोपड़पट्टी में, जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किए कि एशिया की सबसे बड़ी जो अपने मुंबई में झोपड़पट्टी है धारावी में, उसका बारिश में क्या हाल होता होगा। तो वही हाल मेरे भी मन में क्यूरियोसिटी जगी लोगों के कमेंट्स पढ़ के, तो मैंने भी सोचा यार चलो देखते हैं धारावी में बारिश के मौसम में क्या हाल होता है। तो वही हाल दिखाने में आया हूँ दोस्तों। तो चलो, और साथ ही साथ धारावी का एक साल का टर्नओवर लगभग 1 बिलियन US डॉलर है दोस्तों, आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखो कितना होता है। तो और वो टर्नओवर किस चीज़ों से होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, और साथ ही साथ देखते हैं बारिश में क्या हाल है धारावी का। तो बने रहे वीडियो के साथ साथ, और घुसते हैं हम अंधेरी गलियों में जो कि एक मेज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो और उनके बिजनेस में हम देखेंगे जो कि मुंबई की GDP बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती होगी। देख सकते हो यहाँ पे शॉप्स और उनके बिजनेस। अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, चमड़ियों का भी बिजनेस होता है और मिट्टी से बनी कुछ चीज़ों का भी यहाँ पे बेचा जाता है। तो हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे बेचते हैं लोग। यहाँ पे आप होटल देख रहे हो अंदर, ये धारावी झोपड़पट्टी के अंदर है, सारी चीज़ें देख सकते हो आप। क्या बोले अंकल, क्या मचा रहे हो जरा? ए यूट्यूब वीडियो, हां यूट्यूब वीडियो क्या बना रहे हो? चिकन चिकन, ओके देख सकते हो गाइस, चिकन लॉलीपॉप बना रहे हैं। ये यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो। ओके सर, धारावी के बारे में क्या कहना चाहोगे? हां धारावी के बारे में क्या कहना चाहोगे? धारावी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, गरीबों की शान है। ओ बहुत बढ़िया, यहां कितने लोग हैं? बिल्कुल छू लिया। हां कितने लोग हैं? देखो कहां पे धारावी में? अरे ये नौ गिनती भाई नहीं बता सकते, बहुत बड़ी धारावी, छोट को भी थोड़ा है। अच्छा इतना 10 वाला अब इतना नहीं बता पाएंगे अपने भाई, इसका अनुमोल नहीं। देखो भाई बाकी आप इंतजार करिए यहां पे। ठीक है, थैंक यू। यहां पे जो भी लोग रहते हैं सब खुश है, उनको ये अफसोस नहीं है कि हम छोटी जगह में रहते हैं या बड़ी जगह में, सब खुश है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जिनका भी वीडियो लेता हूँ तो उनकी इजाज़त भी लेता हूँ कि भाई ये यूट्यूब पे जाएगा। तो मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि किसी के घर में घुस रहा है तो लोगों का मार खाएगा। भाई इतना सेंस तो मुझ में है कि मैं बिना इजाज़त के किसी की, उनकी बिना इजाज़त के मैं किसी का फेस रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो इतना सेंस मुझ में भी है, और बिना इजाज़त के उनका वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड करूँगा। तो देख सकते हो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बेची जाती है, पता नहीं ये क्या है, कपड़े है शायद। तो चलो अंदर जा रहे हैं हम, देखो जैसे जैसे अंदर चलते हैं नीचे देखो गंदगी। और आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो कि ये एशिया की सबसे गंदी बस्ती थी। ओके देखो ये चीज़ें, चलो अंदर चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पे हैंडमेडेड बना के बेचते हैं, तो इसी वजह से इतना बड़ा टर्न और धारावी का है। तो अब हम जो कि मेन गलियाँ हैं, ओके आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मेज़ है दोस्तों ये, जैसे आप पहले वीडियो में देखा है ठीक वैसे ही मेज़ है। बट मैं इस टाइम थोड़े अच्छे एरिया में आया हूँ, काफ़ी लोगों ने बोला कि वही धारावी का एरिया नहीं है, ये भी अच्छा भी एरिया है, तो मैं अच्छे एरिया में आया हूँ। और देख सकते हो कुछ इस तरह से, और ये सीढ़ा देख सकते हो स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है, और नीचे पानी ही पानी है। ओके भाई इधर अंधेरा है बिल्कुल ही। ओके भाई अंदर जा रहे हैं हम, और मुझे
जैसे कि लास्ट वीडियो में डर था, इसी वीडियो में डर है कि मैं किसी के घर के अंदर ना जाऊं, तो भाई मैं बिल्कुल ही सोच समझ के अंदर जाऊंगा। भाई दो रास्ते, इधर एक है और इधर एक है, मैं जाऊं किधर सोच रहा हूं। भाई इस साइड रास्ता है क्या? इस साइड इस साइड ओके हाँ रोमित बालाजी हाँ ओके भाई चलो अंदर चलते हैं, घरों में काफ़ी अंधेरा है। आ जाओ और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि यार धारावी में 10 लाख लोग रहते हैं, तो मुझ पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो भाई उनको बताना चाहता हूँ मैं 10 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो, बट विकिपीडिया पे अलग अलग जानकारी उन्होंने मेंशन की है, तो आप किस लैंग्वेज में सर्च करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है और मराठी में अलग अलग शो करता है। भाई रास्ता है क्योंकि आंटी रास्ता है इधर ऐसे सीधा जाओ। हाँ सीधा जाके राइट हो जाओ। ओके ये यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं हम, ले सकते हैं क्या चीज? वीडियो यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं हम, ले सकते हैं आपका? मतलब यूट्यूब पे क्या डालना है आपको? हम धारावी दिखा रहे हैं कि कैसे। अच्छा अच्छा डाल दो, धारावी पूरा झोपड़पट्टी है। हाँ तो मैं आपका आगे कोई मिलेगा आपसे बोल देंगे। हाँ जी जी थैंक यू। भाई पूरा अंधेरा है ये भाई देख सकते हो, मैंने फ्लैश लगाया अपने फ़ोन का तो पूरा अंधेरा है, दिखेगा नहीं सामने से कौन आ रहा है। भाई नीचे बहुत गंदगी है और मैं आपको बताने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ गंदी बस्ती है और ये आपको दिखाई देगा, बट यहाँ से इंडिया का सबसे अच्छा से अच्छा यहाँ टैलेंट यहाँ से उभर के आता है, तो ये अपने आप में प्राउड वाली बात है। ओके अलग अलग बिजनेस लोगों के हैं, देख सकते हो भाई यहाँ पे। भाई से पूछ सकता हूँ क्या? भाई हम YouTube से आए हैं, वीडियो ले सकते हैं आपका? तो फसाओगे तो ना भाई। हाँ फसाओ वाला काम तो नहीं ना। अरे यार फसा वाला नहीं है, लोग देखेंगे आपको। ब्लॉगर हो गया? हाँ ब्लॉगर हूँ, ले लो। ओके तो आप क्या यहाँ पे बनाते हो? टी शर्ट बनता है। टी शर्ट बनता है ओके, तो टी शर्ट बनाने का आपका बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया। अब भाई देख सकते हो धारावी के अंदर बिल्कुल ही झोपड़पट्टी के अंदर। भाई क्या कहना चाहोगे लोगों से, खुश हो कैसे हो? टी शर्ट बनता है। हाँ काम भी अच्छा मिलता है, पैसा भी। अच्छा कितना कमाते हो आप? हाँ कि भाई पिछले वीडियो में मुझे बहुत लोगों ने भाई ये कहा कि पर्सनल सवाल मत पूछो, फिर भी मैं भाई से पूछ रहा हूँ। भाई आप बता सकते हो कितने कमाते हो आप महीने के? ऐसे फिक्स तो नहीं है, अपने ऊपर है। अच्छा लगभग 25-30 आ जाता हूँ लगभग। भाई आप सच्चाई जान चुके होंगे, लास्ट वीडियो में उस भाई ने हमको बोला था 10,000 और ये भाई टी शर्ट का काम करके कमा रहे 25-30,000 राइट? काम के ऊपर है भाई, जितना काम मिलेगा उस हिसाब से पेमेंट आती है। ओके बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। शर्ट है यार देख सकते हो आप, यहाँ पे मार्केट में आपको महंगे महंगे दिखते नजर आएंगे, बट यहाँ पे शर्ट देख रहे हो, फॉर्मल शर्ट भी है और फैंसी शर्ट भी यहाँ पे बना रहे हैं। हाथ से बनाते हो पूरे? ओके सिलाई भी होती है। कितना बेचेंगे अगर मुझे लेना है तो? वैसे तो यहाँ पे जो बनाते हैं 100 रुपए में देते हैं मार्केट में। अच्छा। अब वहाँ से जितना बेच पाए वो लोग। ओके ओके 100 रुपए सिर्फ 100 रुपए में बेचते हो? हाँ 100-115 जैसे मतलब। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। लेने के लिए नहीं मैं सेड है सेड जाने वो हम लोग वर्कर हैं। ओके 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 थैंक यू भाई वेलकम। ओके थैंक यू। भाई चैनल नाम बताओ। दोस्तों सच्चाई आपको पता चली होगी चली होंगी, भाई 25-30 हज़ार कमाता है, तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग बाहर अदर स्टेट से आते हैं, तो लाजमी सी बात है वो पैसे सेव करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं और पैसे सेव करने के लिए छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और धारावी में भाई रुको मैं सबसे पहले दिखाऊँ, ऐसे सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही स्टेट है, अगर गिर गया तो हड्डी तो टूट जाएगी पक्का। ये लोग तो अपनी मर्जी से आते हैं ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इनवाइट नहीं करती कि भाई आ जाओ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो निकालने, तो मैं खुद अपनी इच्छा से आया हूँ, ना कि मुझे किसी ने इनवाइट किया है। ओके तो इस चीज़ को गाइस प्लीज़ आप समझिए, भाई बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। ओह माय गॉड
देखो बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, नीचे गिर गए काम तमाम। ओके तो मैं ज़्यादा भाई, हेलो अंदर आओ ऊपर और भी ऊपर हाँ। ओके भाई देख सकते हो भाई ये किस तरह से रास्ता है भाई। भाई ओ माय गॉड, मैं हमेशा ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ भाई ऐसे सब चीज़ें देख के। पिछली वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम आया था तो भी हैरान हो गया था, देखो ये हैरान हो गया था। तो लाजमी सी बात है जैसे आप लोग हैरान हो गए थे वीडियो देख के, तो मैं भी हो गया था। तो इस चीज़ को भाई समझा करो प्लीज़। ओ माय गॉड भाई, बैग फोन और कैमरा हैंडल करना बहुत, ओ सर पे लग गया ये कोना टेबल का। और ये कुछ इस तरह से मुंबई का जीडीपी बढ़ाने में भाई धारावी का बहुत ही बड़ा हाथ है। हेलो भाई, हाँ भाई, अरे भाई बहनों बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो तुम। ओके मैं वीडियो तो निकाल सकता हूँ ना आपका, बोल सकता है कुछ यूट्यूब पे डाल रहे। हाँ भाई यूट्यूब पे डालूंगा, कौन बोल सकता है यहाँ पे नीचे बात की तो उन्होंने ऊपर भेजा मुझे कि बोले ऊपर कोई भाई है जो बात करेंगे आपसे। ओके भाई ओके, हेलो डालेगा ना लिया तो चलेगा ना। ओके भाई यार यूट्यूब से यूट्यूब चैनल है अपना, लोचा वाला कुछ काम नहीं है। तो भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। हाँ मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हाँ अच्छा लखनऊ से आए हो यूपी से। ओके तो क्या बताना चाहोगे लोगों से यहाँ पे, आप काम क्या करते हो? काम तो मुझे समझ में आया, दिखाई दे रहा है आप क्या करते हो, बट लोगों से क्या बताना चाहोगे आप, धारावी आके आए या ना आए क्या कहना चाहोगे? हाँ धारावी में जैसे काम के लिए लोग आते हैं उनको काम चाहिए, पैसे के लिए आते हैं, अच्छी जगह है ऐसा नहीं है, झोपड़ पट्टी रहती है, छोटे छोटे रूम रहते हैं, लोग आके यहाँ काम करते हैं अपना। अरे महीने में काम चलने पे है तो काम हो जाता है 15-20 हज़ार का ऐसा है। ये शर्ट बन रहा है। ओके भाई थैंक यू यार। आपका नाम क्या बोले? मोहम्मद अकील। ओके भाई आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगा मिल के। ओके भाई देख सकते हो भाई एक छोटा सा रूम है और बड़े कपड़े सिलाई का इतना बड़ा रूम है, तो लोग रहने के लिए तो आप इस वीडियो में देख ही चुके हो। देख सकते हो ये सिलाई मशीन और ये कपड़े भाई बहुत ही फैंसी है, देख सकते हो ये आपको मार्केट में 500 के ऊपर ही मिलेगा है ना। 500 हाँ यहाँ पे बहुत ही फैंसी है। ओके हाँ वही मैं देख चुका हूँ जो बेचते हैं लोग ऐसे फैंसी, देख सकते हो शर्ट बाहर जाता है सारा माल मेरा है सारा। ओके ओके हाँ और गाइस आपको बता दूँ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री भी जाता है, मतलब इंडिया से बाहर भी यहाँ से माल जाता है धारावी से, मतलब मगर अलग अलग चीज़ें जाती है, ना कि कपड़े भी जा सकते हैं मुझे पता नहीं, बट यहाँ से इंपोर्ट की जाती है अलग अलग चीज़ें, तो इसीलिए हाँ ले लो भाई मैं बताता हूँ आप हम गलत कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। हाँ भाई जैसे हम पेट के लिए आए हैं वैसे आप काम कर रहे हो, इनसे स्टैंड का भी ले चुके हैं क्या? हाँ हाँ पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, वो मेरा नहीं है, मैं 4-5 स्टेट घूम चुका हूँ। हाँ भाई भाई बिल्कुल बिल्कुल हाँ बढ़िया 10K है मेरा 10K है, काम होता है करते हैं हम लोग भाई 15-15 घंटे काम करते हो भाई, 14-15 घंटा काम करना पड़ता है, इतना काम करने के बाद जब जाके 7-8 को 900 का काम होता है। अच्छा अच्छा 900 का पर डे गाइस, एक दिन में 900 रुपए कमाते 15 घंटे काम करते करके, तो आप इमेजिन कर सकते हो महीने का कितना कमाते हैं। लोग फिर तो अच्छा ही है, बिन अपना हुनर है काम करते हैं। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, हुनर है सीख लिए है काम करते हैं, पेट पालते करते रहते हैं। बहुत बढ़िया भाई थैंक यू भाई थैंक यू। ओके धन्यवाद चलो भाई आओ। बस मुझे यार गिरने का डर लग रहा है, बाहर बारिश है। ओ भाई भाई देख सकते हो नीचे कितनी गहराई है, देख सकते हो नीचे कितनी गहराई है भाई, थर्ड फ्लोर पे है हम, अभी थर्ड फ्लोर पे है। ओके भाई और थर्ड फ्लोर पे आने के लिए कुछ इस तरह से जगह है। ओके भाई गरीबी ऐसी चीज़ है
गरीबी ऐसी चीज़ है, कुछ भी करा सकती है, छोटे घर में भी सुला सकती है। भाई हम कुछ अमीर नहीं है, हम भी इसी गरीबी से गुजर के आए भाई, अभी भी गरीब है, हमारे साथ कुछ भी गरीब है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ेगा ना भाई ज़िंदगी में जीने के लिए। तो भाई इतना आप ये मत होइए कि लोग कैसे अंधेरा देख सकते हो। और आजा भाई नीचे कूद, ओके भाई सही सलामत हम नीचे आ गए हैं। ओके आगे चलते हैं। अलग लोग अलग अलग काम करके कम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए किसी को जज मत करिए। ओके कुरान ले रहा है भाई, ये एक तरह का मेज़ है भाई, बाहर निकला बहुत ही मुश्किल है, एक बार अंदर घुस गए मुझे कुछ डर नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं निकलूँगा ना, तो वहाँ से ही हम जाएंगे बाहर। ओके ये मैंने टॉर्च फिर से लगाया है फोन का देख सकते हो, और ये घर है, घर कुछ इस तरह से, पिछले धारावी में गया था ना भाई, पिछली जो पट्टी में पिछली वीडियो में, उससे कई गुना ज़्यादा ये खतरनाक है। ओके यहाँ पे मेन जो प्रॉपर जो लोग रहते हैं धारावी के, उनके अच्छे घर हैं। ओके ये बाहर जे बाहर से अदर स्टेट से काम करने के लिए लोग आते हैं ना, उनके हाल बहुत ही ख़राब है, बस यही। और उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा भाई, वो काम के लिए आए हैं, काम करके निकल जाएंगे कभी कभी ना कभी, उनके लिए क्या करेंगे गवर्नमेंट। कहाँ रहते हो आप, इधर ही दिखाओगे आपका घर? घर तो अभी नहीं है। ओके यहाँ काम करते हो आप? नहीं नहीं अच्छा, यहाँ पे रहता हूँ बस। अच्छा अच्छा, चैनल का नाम क्या? रोमित बालाजी। रोम आप आगे कितनी लंबी है? बहुत लंबा है घर, बहुत लंबा है। ओके कोई ना कोई दिखा देगा। रोड पे जा, रोड पे कारखाना दिखा दो ना, कारखाने वाले। हाँ वही दिखाया मैंने, कारखाना पूरा दिखा। छोटी से छोटी जगह में कैसे रहते लोग ये देखा। हाँ ओके भाई कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो कोई ना कोई फिर से हमें घर दिखाएगा, घर तो हम देख चुके हैं यार, ये बार बार टॉर्च लगाना पड़ रहा है मुझे। ओ भाई ये देख सकते हो, दो पर्सन नहीं बैठ सकते वन टाइम। ओके ए यहाँ साइड लो, क्या साइड ले जाइए, आ जाओ इस साइड। ओ माय गॉड, बाहर नहीं निकलना, हमें घूमना है के भाई, कोई ना कोई होप कोई घर दिखाए, पूछेंगे पूरा बिक चुका पसीने से भाई में। भाई हाँ गंदा है भाई, गंदगी है, बट कई साल पहले इससे कई गुना ज़्यादा गंदगी थी, बट अभी थोड़ा सुधार आया है जो धारावी जो पुरपट्टी के अंदर। ओके बट काफ़ी गंदगी है, काफ़ी गंदगी है भाई, हमको भाई उनमें उन लोगों में जज्बा कितना है, ऐसे जगह में रहते हैं उन लोगों में जीने का जज्बा कितना है। तो भाई मैं उस हर एक शख्स से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी शिकायतें होगी पूरी तरह से निकल जाएगी भाई, क्योंकि डिमोटिवेट कभी नहीं हो सकते, जब भी डिमोटिवेट होंगे आप ये वीडियो देख लीजिएगा एक बार। ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं वो हर उस शख्स से। हेलो आंटी, घर दिखा सकते हो आपको? ओके आंटी जी राजी हो गए घर दिखाने के लिए। क्या ये यूट्यूब है आंटी? ओके दिखाऊं घर? ओके थैंक यू सो मच। देखो आंटी जी का घर कुछ इस तरह से है।
देख के क्या करेंगे? ये YouTube पे जाएगा तो लोग देखेंगे सारे, दिखा सकता हूँ ना? हाँ। ओके। भाई अंदर देख सकते हो ये घर, ओह माय गॉड ये घर। आंटी आपको ले दिखा सकता हूँ आपको, भाई ये आंटी जी है। और पिछले वीडियो में आपको ऐसा लग रहा था कि भाई लोग काफ़ी बुरे हालत में है यहाँ पे। आंटी जी आपका बैंक अकाउंट या कुछ ऐसा है जिससे आप लोग मदद कर सकेंगे, ऐसे कुछ है कि? ऐसा हाँ, किसी को बोला हो ना भाई, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ इस आंटी जी की। मराठी हो आप? नवासी है। ओके ओके, मैं दिल से चाहता हूँ इस आंटी जी की मदद हो जाए, क्योंकि भाई भाई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये घर कितना बड़ा है। ओके, लास्ट टाइम में मेरा हाल इतना बुरा नहीं हुआ था, ये आंटी जी का घर देख के हाल बुरा। हेलो भाई, हेलो, क्या नाम आपका? भाई YouTube की तरफ से आए, मेरा YouTube चैनल है, मैं दिखा रहा हूँ धारो में लोग कैसे स्ट्रगल करके रहते हैं। ओके, तो भाई आंटी जी आपका नाम क्या है? आमिना। ओके आमिना, कि भाई मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि आंटी जी की मदद कर सकूँ, बट आप खुद भाई आंटी की हालत देख के भाई आपसे जितनी भी हो मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आंटी जी को हेल्प करो। नवासी लोग का मरियम मैजबीन मेरी लड़की का। हाँ, अच्छा अच्छा मुमताज। अच्छा मरियम। हाँ। आंटी जी क्या बोल रहे हैं? आंटी जी क्या बोल रहे हैं? नाम सब बता रहे हैं। अच्छा कितने बच्चे हैं आपको? बच्चे एक ही है, तीन नवासी है, मरियम मैजबीन। अच्छा, और सबसे छोटी मायरा। ओके, तीन चार और कितने लोग रहते हो भाई यहाँ पे? जी हम लोग पांच लोग। पांच लोग इस घर में रहते हो? हाँ। ओके भाई, ऐसा कुछ नहीं, आपको गूगल पे फोन पे नंबर ऐसा है कुछ जो लोग आपको हेल्प कर सके? मैं यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं अपना नहीं दूंगा, क्योंकि भाई का डायरेक्ट जिसको हेल्प चाहिए इनको मिलेगी डायरेक्ट, तो इनका नंबर मैं आप बता दो, बोल दो सीधा, बोल दो क्या बोलते हो नंबर? हाँ, जो बैंक अकाउंट में नंबर होगा जो लोग गूगल पे फोन पे जिस तरह से आपको हेल्प करे। ऐसे तो नहीं अकाउंट है ही नहीं। अकाउंट नंबर भी नहीं है? आपका अकाउंट नंबर ही नहीं है? कुछ नहीं, हमारा है, इनका है, आंटी जी का है। देखो ना भाई, क्योंकि लोग किधर है नानी आपका? मुमताज के यहाँ है, मेरा भी है, दोनों भाई का। भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आंटी जी की मदद कर सकूँ यार, होती तो मैं बेशक बेशक करता। ऊपर भी यहाँ पे, यहाँ से फ्लोर जाता है अंदर, ऊपर से भाई ऊपर दिखा सकता हूँ? क्या नहीं फिर नहीं, नहीं है अकाउंट नंबर? आंटी जी का भी नहीं है, रानी जी का नहीं है? है हमारा लड़की नहीं होगा जो? हाँ शायद वो तो है ही नहीं, जहाँ गाँव गई। ओके भाई, मेरी लड़की। ओके भाई, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। ओके थैंक यू दिखाने के लिए घर अपना। भाई देख सकते हो घर एक बार फिर से, मैं आपको पूरा आंटी जी को समझाऊंगा, रानी को हम ओके क्या करेंगे आंटी? एक यूट्यूब है, YouTube पे हम डालेंगे वीडियो तो लोग सारे लोग देखेंगे, भारत के और भारत के बाहर हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं देखेंगे आप। ओके मैम, ओके थैंक यू आंटी। किधर जाएंगे आप? किधर से? भाई बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आंटी का कोई अकाउंट नंबर नहीं था और मैं 100-200 देखे कुछ उनका इतनी बड़ी ज़्यादा हेल्प नहीं होते भाई, तो मैं वो भी मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता यार, मैं उनकी हेल्प ज़्यादा कर नहीं सकता। अगर उनका अकाउंट नंबर होता तो मैं भी देख लेता कि आप कितने हेल्प कर सकते थे। ओके तो चलो लेट्स गो, एक घर देखा मैं भाई, सच में आंखों में आंसू आ रहे थे भाई, मैं बिल्कुल कंट्रोल कर लिया भाई मैंने खुद को, क्योंकि पिछले टाइम जो भी उस दीदी का और उस भाई का घर देखे इतना मुझे अफसोस नहीं हुआ, बट इस टाइम बहुत अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि क्या बताऊँ मैं। चलो जो भी है, सलाम है हर उस इंसान को जो इस धारावी एरिया में रहता है, दिल से सलाम है भाई, क्योंकि इतना स्ट्रगल हम जैसे मुझसे तो नहीं होगा भाई, सच्ची बता रहा हूँ।
वो इंसान अपने आप में एक स्पेशल है जो ऐसे एरिया में या ऐसे घर में रह के पड़ा बला है, पला बड़ा हुआ है। तो गाइस, और आपको और एक बात बताना चाहूँगा मैं, ये जो धारावी को लोग नाम रखते हैं ना, कैसे जीते हैं क्या होता है, मैं उनको बताना चाहूँगा, इंडिया की ये इकलौती ऐसी बस्ती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आई रिपीट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो कि बस्ती में। ओके, इस बात को आप समझा करो। ओके, ये कैसे हालात में रहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़े लिखे है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देख सकते हो घर, ओ भाई शिट, ये है बारिश का हाल, बारिश में ये हाल है। ओ देखो गंदगी, गंदगी देख रहे हो, सब ब्लॉक है, गटर। अंधेरा है, गंदगी बहुत है भाई, सब यार बहुत गंदगी यार, मेरी बात को बुरा मत मानना यार, गंदगी है। और ऊपर बारिश हो रही है फिर भी नीचे पानी नहीं आ रहा इतना ज़्यादा। ओके, बस इस मैं और घर में देखना दिखा नहीं पाऊँगा भाई, क्योंकि मेरा दिल सच में टूट चुका है। और ऊपर का ये नज़ारा है, ऊपर का ये नज़ारा है, अंधेरा 365 दिन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऊपर सूरज की रोशनी आपको नसीब नहीं होंगी। ओके, ये जितना भी आप देख पा रहे हो ये मैं टॉर्च लगाया हूँ अपने फ़ोन का। ओके, ओह भीग चुका हूँ भाई मैं पूरी तरह से, और बताना चाहूँगा बारिश में बहुत ही बुरा हाल है, आपने देखा है, मैं जितना भी हो सका है मुझे मैंने आपको दिखाया है, बट इसे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि देखने लायक नहीं है, थोड़ा सा गंदा एरिया है, बट जो भी है मुझे प्राउड फील होता है ऐसे लोगों पे जो यहाँ पे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और बाहर से लोग आके यहाँ पे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। ओके, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।